Good morning, kids. I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Kids, today first we will revise our conversation questions and then we will do our written work. Question number one, who is the king of jungle? बेटा मैम ने बताया है ना, who is the king of jungle? Answer, lion is the king of jungle. Question number two, which animal has a trunk? Answer, elephant has a long trunk. Question number three, which animal jumps from tree to tree? बेटा ऐसा कौन सा जानवर है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करता है? Answer, monkey jumps from tree to tree. Question number four, which animal has a long neck? बेटा ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन लंबी होती है? बताया था ना मैम ने? Answer, giraffe has a long neck. चलिए बेटा अब हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं. Let's start today's work. First of all, we will mention today's date in left hand side and today's date is 10th of September 2020 means 1010.09. Beta, here 09 means month of September. September is the 9th month of the year. That's why we will mention here 09.2020 means 2020. And just opposite side is right hand side and here we will mention Likhit Karya. In second line, we will mention today's heading and today's heading is उक की मात्रा के शब्द. बेटा आज भी हम क्या करेंगे, उक की मात्रा के शब्द करेंगे और कितने शब्द करेंगे, 12 शब्द करेंगे और वही वाले शब्द करेंगे जिसके फर्स्ट लेटर में क्या लगती है, उक की मात्रा लगती है. नंबर वन, पुत्र पुत्र. अब देखिए बेटा प में कौन सी मात्रा आ रही है, उक की मात्रा आ रही है और जब हम उक की मात्रा बोलते हैं तो जो हमारा नेक है वो ऊपर से नीचे क्या करता है, मूव करता है और पुत्र का मतलब बेटा. पुत्र पुत्र. नंबर टू, गुण गुण. और गुण यानी कि क्वालिटीज. हम कई बार बोलते हैं ना कि उस लड़की में तो बहुत गुण है, उस बच्चे में बहुत गुण है, यानी कि उसमें बहुत क्वालिटीज हैं. नंबर थ्री, दुखी दुखी. अब ये देखिए बेटा द में कौन सी मात्रा आ रही है, उक की मात्रा आ रही है लेकिन ख में कौन सी मात्रा लग रही है, ई की मात्रा. और ई की मात्रा को हम कैसे बोल रहे हैं, लंबा खींच के बोल रहे हैं. दुखी दुखी. दुखी मीन्स सैड. कई बार हम बोलते हैं ना देखो वो लड़का तो बहुत दुखी लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है, बोलते हैं ना दुखी दुखी. नंबर फोर, शुभ शुभ. और शुभ का मतलब अच्छा. हम कई बार बोलते हैं ना कि बहुत शुभ काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो शुभ शुभ. नंबर फिफ्थ, रुक रुक. अब बेटा ये देखिए जो र व्यंजन है इसमें उक की मात्रा नीचे नहीं लग रही है, कहाँ लग रही है, र के दाईं ओर लग रही है और ये रुक की मात्रा नीचे की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है. और रुक का मतलब रुकना, हम बोलते हैं ना कि थोड़ी देर रुक जाओ, वेट करो, बोलते हैं ना, तो रुक रुक. नंबर सिक्स, कुछ कुछ. नंबर सेवन, सुई सुई. और सुई तो आपने देखी होगी जिससे मम्मी कपड़े सिलती हैं और सिलाई मशीन में भी लगी होती है, कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें भी सुई लगी होती है ना बेटा, तो सुई सुई. नंबर एट, चुन चुन. चुन का मतलब सेलेक्ट करना, जैसे मम्मी आपके लिए कोई दो चीज लेके आई और मम्मी आपको उनमें से बोल रही है कोई सी भी एक चीज आप सेलेक्ट करो, उसमें से एक चीज को चुनो, तो चुन चुन. नंबर नाइन, मुख मुख. मुख मतलब मुंह यानी कि फेस. नंबर टेन, युवा युवा. युवा मीन्स बेटा यंग यानी कि जवान. युवा युवा. नंबर इलेवन, गुम गुम. जब हमारी कोई चीज गुम हो जाती है हम बोलते हैं ना अरे वो हमारी चीज गुम हो गई, नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई है, गुम गुम. नंबर ट्वेल्व, खुला खुला. खुला मीन्स ओपन. कहते हैं ना वो गेट तो खुला रह गया, कोई आ जाएगा, खुला खुला. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर. From here, we will draw a straight line with the help of scale, like this. Then we will mention heading. Here we will mention heading Shruti Lake. And after heading, again we will draw a straight line from here. And then we will mention numbers 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5.
और हम फाइव नंबर्स क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि हम फाइव और श्रुति लेख ले रहे हैं। ए बेटा, अब हम अपना श्रुति लेख स्टार्ट करते हैं और आज भी हम आ, ए और ई की मात्रा के शब्दों का ही श्रुति लेख लेंगे। बेटा नंबर वन, माफ, माफ। अगेन आई रिपीट, माफ, माफ। हियर यू विल राइट नंबर वन श्रुति लेख वर्ड। नंबर टू, चित्र, चित्र। बेटा ध्यान से सुनिए, चित्र, चित्र। नंबर टू बेटा, नंबर थ्री, लिख, लिख। बेटा ध्यान से सुनिए, लिख, लिख। नंबर थ्री, नंबर फोर, गीत, गीत। अगेन आई रिपीट, गीत, गीत। बेटा नंबर फोर श्रुति लेख वर्ड हमें यहाँ लिखना है। बेटा लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेख, नानी, नानी। अब इसमें क्या हो रहा है, एक नाम में तो आ की मात्रा आ रही है और दूसरे नाम में ई की मात्रा। अगेन आई रिपीट, नानी, नानी। वर्ड ऑफ द श्रुति लेख, हियर यू विल राइट। बेटा आपको वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत केयरफुली करना है। श्रुति लेख वर्ड्स पहले बहुत ध्यान से सुनने हैं और फिर करने हैं। ओके, बाय बाय।